दरभंगा शहर के कटहलवारी ओवरब्रिज चूना भट्टी होते हुए गंगवारा तरफ जो सड़क गई है वहां ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ओवरब्रिज से गंगवारा चौक जो पुराना मुख्य मार्ग है वहां तक सड़क पीसीसी ढलाई का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी के तहत वहां सड़क बन रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण जो हो रहा है उसमें घटिया निर्माण हो रहा है, कुछ दिनों के बाद यह सड़क टूट जाएगा। घटिया सामग्री मिलाकर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि सड़क निर्माण नहीं हो, सड़क निर्माण हो लेकिन अच्छे तरीका से हो, लेकिन यहाँ गुणवत्ता का अभाव है। स्थानीय लोगों ने कहा, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि निर्माण की जाँच हो अथवा हम लोग आंदोलन करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने क्या कहा, क्या उन लोगों ने आक्रोश जताया, वहीं इस संबंध में निर्माण कार्य का देखरेख कर रहे कर्मी ने इससे जब हमने पूछा कि आखिर इन लोगों का जो आरोप है इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई घटिया निर्माण नहीं हो रहा है, सभी कार्य ठीक हो रहा है। स्थानीय लोगों ने क्या कहा इस संबंध में, जो वहाँ देख रेख करने वाले मुंशी हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप कहीं कहते पानी पटा रहे हैं रोड पर, कुछ एक फुट पानी ने पटा रहे हैं, बिना पानी का कहीं ढलाई पर पानी ने पटता है क्या? आप लोकल माल मिलाते लोग का पूरा पब्लिक है वहाँ, आप अपना माल जैसे ढालना है ढाल। रोड में जो क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्या क्वालिटी की बात करते हैं आप? हर दो साल चार साल पर रोड बनते रहे तो हम लोग डूब ही जाएंगे रोड हाइट करते करते, इसका निदान होना चाहिए हमेशा। अच्छा, के लिए रोड अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी आप ऊंचा करते जा रहे हैं सबका घर बर्बाद हो जाएगा। ये किस विभाग से बन रहा है? ग्रामीण कार्य। अरे कहिए क्या समस्या है शंकर? समस्या है कि ग्रामीण कार्य विभाग से आरियो से ये रोड बन रहा है NH 57 पुराना से चूना भट्टी चौक तक, इस रोड में जो बालू का क्वालिटी है वो गलत है। अगर हर साल रोड टूटेगा दो चार साल पर और बने हाट बन जाएगा तो हम लोग के घर में एक ठौना पानी लग जाएगा। हम लोग रोड के किनारे बसे हुए हैं तो हम लोगों का रोड का बहुत ऊंचा घर था, लेकिन रोड बनते बनते नीचा दिन प्रतिदिन होते जा रहा है और रोज जो घटिया क्लियर, कम से कम ये 25 वर्ष चले तो लोग भी समझेगा कि समस्या पान नहीं। आप बालू जो है नदी वाला बालू मिला करके आधा आधा दोनों बालू देकर के आप स्वयं अपने आंखों से जाकर देख लीजिए, वहाँ नदी का बालू जिला पशुपालन केंद्र में गिरा करके उसको मिक्सिंग किया हुआ है, बालू का क्वालिटी का जाँच करवा लीजिए और उसके बाद ही पता चल जाएगा कि कौन सही या कौन गलत है। अगर ये लोग काम वैसे तो ये लोग अभी काम कर रहे हैं, अगर ये लोग काम नहीं रोकेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम लोग काम नहीं रोकेंगे, हम लोग काम का, हम इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर के राज्य स्तरीय प्रशासन तक को इसके लिए लिखित सूचना देंगे कि गलत है और इसको जो है सो हैदराबाद के क्वालिटी सेंटर से इसको जांच करवाया। अगर चूंकि काम तो शुरू हो गया है, काम पूरा कर लिया, कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया है, तो जब तक जब काम हो ही जाएगा तो फिर आपको दोबारा इनको बनाना पड़ेगा, गलत रहेगा। तो मैंने आप लोग कहना है कि जो निर्माण हो रहा है गलत हो रहा है? हाँ गलत हो रहा है। आप लोग कहीं लिखित दिए हैं? अभी नहीं दिए हैं हम लोग को, जब देखे हैं पूरा पशुपालन में जा करके दो दिन से, जब पुला के उस पार पहले काम होता था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब इस पार चालू हुआ है तो यहाँ के आदमी को दक्षिण सागर पोखर पर आना जाना है, सारे लोगों जो जाते आते हैं उन्होंने देख करके कहा है कि इस तरह का मटेरियल बन रहा है, हम लोग कलेक्टर को लिखित बहुत जल्द देंगे और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए मांग करें। अच्छा अपना परिचय दे दीजिए। शंकर यादव यहीं के पास कि ये कौन सा जगह है, यहाँ क्या समस्या है? ये सर चूना भट्टी जगह, चूना भट्टी का रोड बन रहा है, कहने का मतलब है सर वहाँ से जो ऑप्शन पास हुआ, कहने का मतलब वो आधार से रोड बनना चाहिए, बालू एक नंबर बालू जो है इसमें जो है दिया जाना चाहिए मटेरियल, वहाँ लक्ष्मी सागर में जो मटेरियल तैयार होता है ना, और मटेरियल तैयार होकर के यहाँ आता है रोड में ढलाई होता है, वहाँ क्या है कि नदी का बालू जो है काला वाला बालू मिट्टी वाला बालू वहाँ गिरा हुआ है, उसी में से फेट करके दोनों बालू मिक्स कर के माल को तैयार किया जा रहा है, हाँ, और यहाँ रोड ढाला जा रहा है। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है कि सही बने, सही सामान से रोड सर बने, जनता के लिए रोड बन रहा है, समाज के लिए रोड बन रहा है तो अच्छा मटेरियल से, अच्छा बालू से जो है सर रोड बनना चाहिए। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये तो ढलाई का काम कर रहे हैं,
हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर विरोध क्या क्या कर रहे हैं? दिक्कत यही है, सही से काम होना चाहिए, काम सही से होना चाहिए। पानी कहाँ पास होगा? अगर मान लीजिए सही से काम नहीं करेंगे, जो आप लोग का शिकायत है, तो अगर ये अपना काम करते रहेंगे तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे समाज का आदमी है जो निर्णय लेंगे सर, वैसा जो है लिखा परी किया जाएगा। लिखा परी किया जाएगा जी सर। परिचय दे दीजिए। हमारा जो है नाम है बउआ जी सहनी, हम चुनाव भट्टी पास। चीज यहाँ का आदमी जो बोल रहा है बोर्ड ने है, तो आप जाके देख लीजिए जीरो पॉइंट पर जहाँ से काम शुरू किए हैं वहाँ बोर्ड है कि नहीं है। ठीक है, बोर्ड लगा हुआ है, एक छोर दो को बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, बिना शिलान्यास का बिना बोर्ड लगाए काम कर देंगे? ठीक है, वहाँ जाके देखिए आप बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है। ये किस विभाग से कार्य हो रहा है? किस विभाग से कार्य हो रहा है ये कौन सा विभाग से? हाँ, मुख्यमंत्री योजना से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योजना से काम हो रहा है? कहाँ से कहाँ तक का होना है कार्य? जहाँ पे वो कौन सा मेन रोड है ना, वहाँ से ओवर ब्रिज तक का काम है। कितने की लागत से? ये चीज का जानकारी आप बोर्ड पर जाके देख लीजिए कितना का लागत है। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये इन लोग जो कर रहे हैं, इन लोग जो कर रहे हैं, तो इन लोग खुद जाके देखे जो बोर्ड मेरा कितना का लागत से बन रहा है। और निर्माण कार्य के बारे में कह रहे हैं कि गलत मिलावट है। कौन बोल रहा है मिलावट? लोगों ने कहा है अभी, और लोगों से पूछिए तो मिलावट है कि नहीं है? इतना रोड का काम हुआ है तो मिलावट है? मिलावट कैसे है? मिलावट मान लीजिए आप एक आदमी का बात सुनिएगा और आदमी का बात, इतना दूरी किया है तो मिलावटे न है, और यहाँ पर आके मिलावट हो गया? तो आपका कहना कि मिलावट नहीं है? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप यादव। क्या है आप? मुंशी है, साइड इंचार्ज। साइड इंचार्ज।